आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लान यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपके साथ मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम का लोन अप्रूवल लेटर शेयर करूंगा। इस लेटर में तीन ऐसी मख्फी शरायत दर्ज हैं जो कोई भी बैंक आपको नहीं बताएगा। ये तीनों शरायत इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपने वीडियो को एंड तक देखना है और कम अज कम एक दफा इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी इस स्कीम के तहत अपना घर बना सकें। लास्ट वीडियो में लोन अप्रूवल का स्मार्ट तरीका शेयर किया था और इस तरीके से आज 10 दिन बाद लोन अप्रूव हो गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम का लोन अप्रूवल लेटर आपके सामने है। इस लेटर को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस लेटर के पहले हेड में मैक्सिमम लोन ओब्लिक फाइनेंस अमाउंट दर्ज है। इसमें बैंक और कस्टमर का शेयर यानी 90% और 10% दर्ज है। इस लेटर के सेकंड हेड में लोन रिटर्न करने का मैक्सिमम पीरियड दर्ज है। इस लेटर के थर्ड हेड में इंटरेस्ट रेट की डिटेल्स दर्ज हैं, यानी 1-5 साल के लिए 5%, 6-10 साल के लिए 7% और 11-20 साल के लिए काइबर प्लस 4% इंटरेस्ट रेट होगा। इंटरेस्ट रेट और इंस्टॉलमेंट को इस वीडियो में हम डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा है, जिस पर क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं। इस लेटर के फोर्थ हेड में चार्जेस की डिटेल दी गई है, यानी कस्टमर लीगल ओपिनियन चार्जेस, मुशारका चार्जेस, प्रॉपर्टी मॉर्गेज चार्जेस, वैल्यूएशन चार्जेस अदा करेगा। इस स्कीम की सबसे खतरनाक कंडीशन ये है कि फर्दर मोर बैंक रिजर्व्स द राइट टू रिवोक एंड और अल्टर द ऑफर एट एनी टाइम विदाउट assigning any reason। दोस्तों, इस स्कीम की सबसे खतरनाक कंडीशन ये है। इसके तहत कस्टमर बैंक को ये परमिशन देता है कि वो इस स्कीम की किसी भी कंडीशन को बगैर कोई वजह बताए चेंज कर सकता है। इसके इंटरेस्ट रेट, इंस्टॉलमेंट रेट या लोन रिटर्न करने के पीरियड या इसके अलावा दीगर चार्जेस को एनहांस कर सकता है। इस स्कीम की ये कंडीशन किसी तौर पर भी एडमिट नहीं की जा सकती। इसलिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सर्विस डेस्क पर आप इस कंडीशन के खिलाफ कंप्लेंट जरूर लॉज करें ताकि स्टेट बैंक इसका नोटिस ले और इस लेटर में से इस कंडीशन को डिलीट किया जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।